वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हों और माँ शारदा शक्ति स्वरूपा यलोसी के पार हों। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी घटनाएं होने पर पाकिस्तान के खिलाफ एक बार सर्जिकल और एक बार एयर स्ट्राइक कराई। क्या आप जल्दी ही वो पाक अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके को वापस लाने के लिए सेना को हरी झंडी दिखाने वाले हैं? ये सवाल रविवार को रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के बयान से चर्चा में है। राजनाथ सिंह ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे में जनसभा को संबोधित करते हुए जो बयान दिया था वो पीओके में एक ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ा था। राजनाथ ने कहा था कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि बाबा अमरनाथ हमारे पास रहें और मां शारदा पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में हो। इस बयान से एक बात तो साफ हो रही है कि जल्दी ही पीओके पर भारत कोई बड़ा खेल करने वाला है। पहले आप सुनिए कि राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। बहनों भाई, अब ये भी जान लीजिए कि भारत और खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए माँ शारदा का मंदिर आखिर इतना खास क्यों है। तो आपको बता दें, पौराणिक कहानियों के मुताबिक जब दक्ष के यज्ञ में सती ने प्राण त्यागे तो भगवान शिव उनके शव को लेकर इधर उधर डोलते रहे। तब भगवान विष्णु ने चक्र चलाकर सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। मान्यता है कि इन टुकड़ों में से सती का दाहिना हाथ कश्मीर में गिरा था, जहां इसके गिरने की बात कही जाती है वहीं माँ शारदा का मंदिर बनाया गया था। ये पीओके में मुजफ्फराबाद से 140 किलोमीटर दूर है। नीलम नदी के किनारे बने शारदा पीठ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महाराज अशोक ने 237 ईसा पूर्व इसे बनवाया था। पिछले 70 साल से यहाँ पूजा नहीं हुई है। आपको एक बात और बता दें, इन सबके बीच पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लिए लोगों के लिए आरएसएस के महासचिव होसबोले ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद राजनाथ सिंह और होसबोले का कहीं ना कहीं जो ये बयान है इसको थोड़ा सा मैच जरूर किया जा रहा है कि पीओके को लेकर भारत में जरूर कुछ चर्चा हो रही है। पहले आप होसबोले की सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के लोग स्वतंत्र भारत के जम्मू कश्मीर के पहले पीड़ित हैं, उनको पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। आज वो तरस रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं, हम कब स्वतंत्र हों। अब इन सबके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि जल्दी ही पीओके वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसके बाद जो पाक परस्त हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानियों में तो हड़कंप मचा हुआ, लेकिन जो यहाँ सपोले बैठे हैं, जो खाते भारत की हैं, गुणगान पाकिस्तान की करते हैं, उनके भी दिमाग में अब बहुत कुछ चलने लगा है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ राष्ट्र के।